तो दोस्तों जिस बात का अंदाजा था वही हुआ, JKSSB हैज रिलीज्ड फिफ्थ नोटिफिकेशन इन रो, जहां पे उसने एग्जामिनेशन सेंटर्स को चेंज किया है फॉर द अपकमिंग JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जामिनेशन, जो कि 10 नवंबर को आपका एग्जाम होना है। अब ऑब्वियसली स्टूडेंट जो है वो पैनिक तो करेगा, लास्ट मिनट में अगर चेंजेस ला रहे JKSSB की गलत बात है, उसको ये सब चीज़ें पहले से क्लियर कर लेनी चाहिए थी। अब रिलोकेट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है, पहले उनको क्या अंदाज़ा नहीं था वहाँ पे इतनी सीटिंग कैपेसिटी है कि नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे शायद लास्ट मिनट पे वो नोटिफिकेशन तक पहुँचे ही ना, तो ऐसे में वो गलत सेंटर पे पहुँच जाएंगे, जो कि उनके लिए तो सही था, पहले तो आपको वही बताया गया था सेंटर। तो बच्चे का एग्जाम अगर गलत होता है इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा, ऑब्वियसली JKSSB होगा, बट गलत बात है ये। चलो एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं कौन से सेंटर्स चेंज हुए हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे। सब्जेक्ट क्या है रीड करना, आदत है JKSSB की ये चेंज करने की। मेन पॉइंट पे आते हैं, देखो जो सेंट फ्रांसिस स्कूल मैंडर पुंछ में था, पुंछ डिस्ट्रिक्ट है ये, हालांकि मैंडर जो उसके अंदर एक एरिया पड़ता है वहाँ पे एक स्कूल है, रीलोकेट कर दिया गया ये सेंटर और मुकादस हायर सेकेंडरी मैंडर में जो स्कूल है, मुकादस हायर सेकेंडरी स्कूल वहाँ पे ही लाया गया। दूसरा हायर सेकेंडरी स्कूल जो गर्ल्स ठाठरी डोडा, ये ठाठरी जो कि डोडा में है, वहाँ पे पहले हायर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स में था सेंटर, उसे रीलोकेट किया है और गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल या हाई स्कूल आई थिंक ठाठरी में ही है ये, डोडा में वहाँ रीलोकेट किया है। और ये भी बताया गया कि एडमिट कार्ड्स जो कि ऑलरेडी डाउनलोड किए गए हैं कैंडिडेट्स के द्वारा वो वैलिड होंगे नए सेंटर के लिए, क्योंकि JKSSB भी ये चीज़ समझ रहा है कि लास्ट मिनट में शायद एडमिट कार्ड निकालने में इनको दिक्कत हो, न्यू एडमिट कार्ड निकालने को, तो ये भी समझना चाहिए JKSSB को कि लास्ट मिनट में बच्चा रिवीजन करेगा, तैयारी करेगा कि ये उनकी नोटिफिकेशन देखेगा, बार बार उनकी वेबसाइट पे जाएगा कि न्यू नोटिफिकेशन तो नहीं आई है, तो ऑब्वियसली ये टाइम है पढ़ाई करने का, ये चीज़ें बच्चे को परेशानी तो देगी, बट फिर भी हमारा फ़र्ज़ बनता था अब तक ये नोटिफिकेशन पहुँचाना, और जिनके भी सेंटर्स यहाँ पे हैं आई होप उन तक ये नोटिफिकेशन पहुँची हो, और आप भी कोशिश करेंगे अपने फ्रेंड्स जो भी हैं जिनका सेंटर मैंडर या डोडा में बना हुआ है तो उन तक ये नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचा देना, क्लियर है। और ये जो सेकंड में लिखा है ना HSS गर्ल्स ठाठरी डोआ, डोआ नहीं है ये डोडा होगा, इनसे डी मिसप्रिंट हो गया हुआ है, राइट साइड इन्होंने डोडा लिखा हुआ है, क्लियर है। हम ये भी समझते हैं कि JKSSB जो है, क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला है J&K UT में, तो परेशानी ऑब्वियसली होगी, बहुत नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है इसमें, तो इतना बड़ा एग्जाम जब कंडक्ट करवाती है कोई भी एजेंसी थोड़ा सा इशू रहता है, बट ये चीज़ें उनको पहले क्लियर करनी चाहिए थी, लास्ट मिनट में इश्यूज़ कर रहे हैं बच्चों के साथ, क्योंकि अब JKSSB और काम भी किया, मेन काम तो यही है ना उनका कि उन्होंने रिक्रूटमेंट करवानी है, तो और वो बहुत सही तरीके से होनी चाहिए, और हम अब यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो एग्ज़ाम होगा 10 तारीख को बिल्कुल फेयर तरीके से हो, बहुत अच्छे तरीके से हो, किसी को कोई परेशानी ना हो, और इसके लिए हम सभी को बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, आप सभी स्टूडेंट्स को और साथ ही JKSSB को भी बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे ताकि वो अच्छे से एग्जाम कंडक्ट करवा सके। और ऐसे में अगर कुछ भी छेड़खानी या कुछ भी इशू होता है तो आप सब स्टूडेंट्स का फ़र्ज़ बनता है हमारे तक वो चीज़ लाना, ताकि क्योंकि हमारे साथ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो भी तैयारी करें इस एग्ज़ाम की J&K UT से, वो सभी जुड़े हैं हमारे साथ, तो ऐसे में उस चीज़ को सामने लाने में, हाईलाइट करने में हम बहुत बड़ा रोल एक प्ले करेंगे, तो बट एक्सेप्ट करते हैं, और कोई हमारा यही आशा है कि कुछ भी गलत ना हो, सब अच्छे तरीके से ये चीज़ें हो जाएं, और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को इस एग्ज़ाम के लिए। कल एक वीडियो लेकर आएंगे जहां हम आप सबको बताएंगे किस तरह से आपने लास्ट मिनट में पैनिक नहीं होना और एग्ज़ाम में किस तरह से आपने डील करना है, तो बेस्ट ऑफ लक वीडियो होगी हमारे विंग्स उड़ान की तरफ से आप सबके लिए। दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, शुक्रिया।